हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग यू ऑल। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आप लोगों की जो 64वीं बीपीएससी की मुख्य परीक्षा है वह संभावित तिथि जुलाई में होगी और इसके लिए आप सभी काफ़ी मेहनत कर रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कर रहे होंगे। काफ़ी बहुत सारे लोग राइटिंग प्रैक्टिस कर कम स्टार्ट कर चुके हैं और बहुत सारे लोग अभी सिलेबस लगभग ख़त्म करने वाले होंगे। तो अगर आप लोगों ने सिलेबस अभी तक ख़त्म नहीं किया है पढ़कर, तो प्लीज़ सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए अपना। और स्पेशली हिंदी GS1 GS2 को कम से कम ख़त्म ज़रूर कर लीजिए। और बाकी अगर ऑप्शनल आपका बच रहा है तो उसको भी जल्द से जल्द 10 से 15 दिनों में ख़त्म कर लीजिए, क्योंकि अभी तक तो आयोग ने 64वीं बीपीएससी के बारे में जो पीटी के रिज़ल्ट के बारे में डिसीजन तो नहीं लिया है, लेकिन हो सकता है जल्दी कुछ दिनों में वह डिसीजन ले लेगी। क्योंकि जो अगर आगामी 23 तारीख को हो सकता है कि चुनाव के जो परिणाम आएंगे, उसके बाद जब आचार संहिता ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद आयोग इस संबंध में कुछ ना कुछ स्टेप जरूर लेने वाला है। और उसके साथ ही साथ मुख्य परीक्षा के दिशा में भी जो भी बाधाएँ हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। तो अगर वैसे विद्यार्थी जो जिनका पीटी का रिजल्ट हो चुका है, तो वो लोग अपना तैयारी अच्छी तरह से कीजिए। और जिनका थोड़ा सा भी संभावना है कि हो सकता है कि अगर रिवाइज रिजल्ट आता है तो उनका थोड़ा सा भी चांसेस है कि हो सकता है उनका क्लियर हो जाएगा, तो वो लोग भी तैयारी करते रहिए और सीरियस तैयारी कीजिए। क्योंकि अगर आपका हो जाता है रिजल्ट तो बहुत अच्छी बात है, अगर इन केस ऐसा होता है कि 1% चांस में अगर आपका छूट जाता है कि नहीं होता है, तो उसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं, क्योंकि 2 महीने में ही 65वीं बीपीएससी का डेट भी अनाउंस हो जाएगा। तो ये मान के चलिए कि आपका जो मेहनत किया हुआ वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आप अगर दोबारा पीटी के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस करेंगे तो पीटी निकाल लेंगे और साथ में आपका जो मेंस के लिए जो तैयारी किया हो वो काम भी आ जाएगा। तो आज हम लोग बीपीएससी के जो प्रैक्टिस सेट हम लोग कर रहे हैं, इसमें 2 सेट मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दे चुकी हूँ। आज मैं ये तीसरा सेट दे रही हूँ। और मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि आप लोग को डेली 4 घंटे राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। 4 घंटे में आपको 4 घंटे सिर्फ एक सेक्शन को ही देना है। आपका जो 4 सेक्शन है आपका सिलेबस मेंस का, जिसमें कि आपका पहला सिलेबस पार्ट है आपका GS, जिसमें आपका सामान्य हिंदी हो जाता है। सेकंड में आप पार्ट में आपका GS1 हो जाता है। थर्ड में आपका GS2 और फोर्थ में है आपका ऑप्शनल। तो इस ये मिला के आपका 4 सेक्शन है। चारों सेक्शन को आपको इक्वल टाइम देना है, इक्वल इम्पोर्टेंस देना है, तभी जाकर आपका जो मेंस प्राप्त मेंस पास करने का जो एम है वो कंप्लीट हो पाएगा। तो ऑलरेडी मैं 2 सेट तो दे चुकी थी, ये 3rd सेट दे रही हूँ, जिसको आप प्रैक्टिस करके अपनी जो सेल्फ प्रैक्टिस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी विद्यार्थी हैं जो कि सेल्फ प्रैक्टिस कर रहे हैं और कहीं किसी इंस्टीट्यूट की मदद नहीं ले रहे हैं, खुद से लिखने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैं ये जो क्वेश्चन दे रही हूँ बिल्कुल संभावित क्वेश्चन है, ऑलरेडी आ चुके हैं पहले भी, और ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो कि आने की संभावना पूरी है। ऑलरेडी 2 सेट में मैंने जो क्वेश्चन दिया था बहुत काफ़ी सिलेक्टिव क्वेश्चन दिया था, जो कि बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। और इस सेट में मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रही हूँ। आगामी मैं जो भी सेट प्रोवाइड करूँगी उसमें ऐसे क्वेश्चन को ही देंगी जो कि बहुत सिलेक्टिव होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, जिनके आने की पूरी संभावना है। तो ये इनका ये मान के आपको नहीं चलना है कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और यही क्वेश्चन आएंगे। आपको ये मान के चलना है कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना है, क्योंकि अगर आप लिखने की प्रैक्टिस में नहीं आते हैं तो यकीन मानिए कि आप चीज़ों के जानकर भी आप एग्जामिनेशन टाइम में नहीं लिख पाएंगे। क्योंकि ऐसा होता है कि हम लोग जब 3 घंटे जब एग्जामिनेशन में लिखते हैं, लिखना स्टार्ट करते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी जो नॉलेज है उसमें जो एक फिल्टर आउट नहीं रहता है, या फिर हम लोग का जो प्रैक्टिस जो होता है कि सही भी में प्रैक्टिस नहीं किया हुआ होने की वजह से हम लोग कभी कभी 1 घंटे में एक ही क्वेश्चन का आंसर कर पाते हैं, और बाकी जबकि हम लोग को करने होते हैं मिनिमम 6 क्वेश्चन के आंसर, जैसे कि प्रीवियस ईयर में प्रीवियस जो बीपीएससी का ट्रेंड में मैं देखी थी। तो ऐसा होता है थोड़ा सा, अगर आप प्रैक्टिस में नहीं आते हैं तो इतना मान के चले कि आपको चीज़ों की जानकारी होते हुए भी आप सही आंसर नहीं लिख पाएंगे और सही और सटीक आंसर नहीं लिख पाएंगे। तो आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है।
और अभी से स्टार्ट कर दीजिए। मैं पहले भी आपको राइटिंग के लिए आपको टिप्स दे चुकी हूँ, मैं शॉर्ट में फिर से टिप्स दे देती हूँ। अगर कोई ऐसे स्टूडेंट जो कि मेरे उस टिप्स वाले वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उस टिप्स वाले वीडियो को देख सकते हैं। फिर भी मैं संक्षेप में बता देना चाहूँगी कि अगर आपको जो भी जितने भी सब्जेक्ट हैं बेसिकली देखिएगा दो पार्ट में डिवाइडेड हैं, तो दो पार्ट में डिवाइडेड तो आपको इस सेक्शन से हो सकता है तीन तीन क्वेश्चन करना हो, तो उस कंडीशन में आपको एक क्वेश्चन के लिए आपको आधे घंटे का टाइम मिलता है। तो आप आधे घंटे में आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी होगी। इवन आधे घंटे में नहीं, आपको 25 से 27 मिनट में ही आपको एक क्वेश्चन को आंसर करेंगे। तो 25 से 27 मिनट में एक क्वेश्चन को आंसर अगर आप करते हैं तो आपको लास्ट में आपको 10 से 15 मिनट का ही टाइम बचता है। जब आप क्वेश्चन सारे एग्जामिनेशन में जब 6 क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो एक एक जो 10 से 15 मिनट का अगर आपके पास टाइम बचता है तो उस टाइम में आप एक क्विक रिवीजन देख सकते हैं, कहीं क्वेश्चन नंबर छूटा हुआ है या फिर कुछ ऐसा है कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें छूट जाती हैं, अंडरलाइन करना, या फिर हो सकता है आपको लास्ट मिनट में आपको कुछ कंक्लूजन में कुछ ऐड करना रह गया हो, तो वो चीज़ें आपके पास टाइम 10 मिनट टाइम रहने के पर आप उसको क्लियर कर सकते हैं। बेसिकली हर क्वेश्चन को का एंड, जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 1 बना रहे हैं अगर किसी पेपर में, तो 25 मिनट से 27 मिनट अगर क्वेश्चन का आंसर करते हैं तो आपको राइटिंग तो आपको ये मान के चलना है कि आपको दो पेन से ही आंसर करना है। अगर आप पूरा पेपर आप ब्लू पेन से लिखते हैं तो बाद में आपको इस 27 मिनट ख़त्म होने के बाद में एक ही मिनट दे करके आपको जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स को आपको लाइनिंग कर लेनी है, और अब अगर ब्लैक पेन से लिखते हैं तो ब्लू पेन से अंडरलाइन कर लेना है। तो इतना ज़रूर करना है। किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप एक अच्छे से फ्लो चार्ट बना कर दीजिए, एक बकायदा फॉर्मेट दीजिए, लाइक इंट्रोडक्शन हो गया, फिर आप उसके बाद बेसिक्स डिफिनीसन दे दीजिए, फिर आप जिस चीज़ के बारे में पूछा गया, जैसे कि आपको किसी चीज़ के बारे में प्रॉफिट और लॉस के बारे में पूछा है तो उसके इंपॉर्टेंस को बताते हुए उसके प्रॉफिट एंड लॉस के बताइए, दिन कंक्लूजन पे जाइए। तो इस टाइप का आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए आंसर करना है। किसी भी चीज़ को के बारे में आपको बिल्कुल एक जैसे कि 5-6 के बच्चे, स्टैंडर्ड के बच्चे करते हैं, डायरेक्ट निबंध के रूप में हर चीज़ के बारे में लिख देते हैं, तो आपको उस तरह से नहीं करना है। क्योंकि एक जो PCS का जो आंसर राइटिंग का जो तरीका होता है वो इस टाइप का होना चाहिए कि आपका जो एग्ज़ामिनर हो वो चीज़ों जो आपका जो इस चीज़ का आंसर वो चाह रहा है वो उसको ढूंढना ना पड़े, आपको उसको आंसर उसको बिल्कुल एकदम सामने से दिख जाना चाहिए, और ना ही उसको एग्ज़ामिनर को आपको भ्रम की स्थिति में ही डालना है कि आपको कि आप बहुत ज़्यादा जानते हैं, आप बहुत सारे चीज़ें आप ज़बरदस्ती ठूस ठूस के लिखे जा रहे हैं। आपको उन चीज़ों को लिखना है जो कि रिलेवेंट हो और खास थोड़ा सा उसके बाहर चार दीवारी के आगे, मतलब जिस के बारे में पूछा रहा उससे रिलेटेड जोड़ती हुई चीज़ों को थोड़ा सा आपको लिखना है, रिलेवेंट चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं लिखना है, सिर्फ रिलेवेंट चीज़ों को लिखना है। तो आइए हम आपको मैं आपको जो भी अभी क्वेश्चन बता रही हूँ उसके बारे में आपको टिप्स भी देते जाऊँगी कि कैसे आप उसका आंसर करेंगे। जैसे कि आपको आज का जो सेट है उसमें सबसे पहला सेट, उसमें जनरल हिंदी में आपको आज निबंध लिखना है, और निबंध में जो पहला निबंध होगा आपको विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस पर आपको निबंध लिखना है, और सेकेंड है आपको डिजिटल इंडिया। तो ये आपको दो निबंध लिखने की प्रैक्टिस करनी है। फ्रेंड्स मैं तो पहले तो एक चीज़ और मैं माफ़ी चाहूँगी कि मैं दो दिनों से काफ़ी व्यस्त थी इसलिए मैं सेट प्रोवाइड नहीं कर पाई थी, मैं अपने थोड़ा रिसर्च वर्क में थोड़ा ज़्यादा बिजी हो गई थी तो मुझे टाइम नहीं मिल पाया था, क्योंकि मैंने लास्ट सेट दो दिन पहले दिया था तो बीच में कॉपी चेक करने के बाद मुझको और एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिल पाया था कि मैं आपको ऐसे सेट प्रोवाइड कर दूँ। आज से फिर मैं आपको कंटिन्यू सेट प्रोवाइड कर रही हूँ। बीच बीच में ऐसा हो सकता है कि मैं फिर अपने रिसर्च वर्क में बिजी रहूँगी तो मैं फिर आपको सेट प्रोवाइड कर रही हूँ, हो सकता है किसी दिन आपको गैप हो जाए। तो खैर ये जो सेट मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट का जो फोर्थ सेट है आपको कल शाम को फिर प्रोवाइड करूँगी। तो आज ये थर्ड सेट है, आपको आज से लेके कल 24 घंटे के अंदर आपको जमा कर देना होगा इसका आंसर, ताकि आपको चौथा सेट मिल पाए तो फिर उसका इवेलुएशन मुझे करने के लिए पर्याप्त समय मिल पाए। तो ये हो गया आपका आज का जो टॉपिक है, दो निबंध लिखने हैं, विज्ञान वरदान या अभिशाप, और नंबर 2 है डिजिटल इंडिया। अब देखिए विज्ञान वरदान या अभिशाप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आप विज्ञान के बारे में बताएंगे एक बेसिक्स कि आपको विज्ञान एक्चुअली में क्या है, उसके बाद वरदान या अभिशाप उस पर आते हैं। तो
आप देखिए वरदान या अभिशाप डायरेक्ट उसको एक कंक्लूजन पे नहीं आ जाए। अगर डायरेक्ट बताते हैं कि विज्ञान वरदान है या अभिशाप, तो ये सही आंसर नहीं होगा। सबसे पहले अब आपको विज्ञान के बारे में बताकर इसके संबंधित सबसे पहले वरदान में आपको आना है, महत्वपूर्ण खोजों के बारे में बताना है। ठीक है, अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हैं तो बुलेट पॉइंट वाइज चलिए, या फिर अगर आप डायरेक्ट थ्रॉली लिखते चले जाते हैं तो अपने महत्वपूर्ण चीज़ों को कम से कम अंडरलाइन कीजिए। उसके बाद अब अभिशाप, अभिशाप में डीमेरिट्स को बताना है आपको। तो अभिशाप भी आप अभिशाप जब आप लिखते हैं तो उसी तरह आपको अगर आप पूरा लगातार कंटिन्यू लिख रहे हैं तो उसमें भी आप महत्वपूर्ण पॉइंट्स को अंडरलाइन कीजिए, अगर नहीं तो पॉइंट वाइज में लिखिए। उसके बाद आप कंक्लूजन पे आइए कि एक्चुअली विज्ञान वरदान है या अभिशाप, और उसमें अपने कंक्लूजन को डालिए। और स्पेशली इसमें आपको इस चीज़ पर फोकस करना है, वरदान पर। तो जब भी आंसर करिए, जैसे कि निबंध वाले जब भी आंसर आते हैं तो कोशिश करिए उसमें, जैसे सरकार के बारे में लिखना रहता है कभी कभी हम लोगों को, सरकार पर भी, सरकार की जो बहुत सारी अभी योजनाएं हैं उस पर भी निबंध आ सकता है। तो निबंध में जब भी आप सरकार के बारे में लिखते हैं तो पॉजिटिव फैक्ट पर ज़्यादा जोर देंगे, नेगेटिविटी को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना चाहिए। नेगेटिविटी अगर कुछ दिखाते भी हैं तो उसमें आप उसमें अपना फुट डालिए कि आप उसमें आप क्या चीज़ डालने से वो चीज़ नेगेटिविटी दूर हो सकती है। तो इस टाइप की चीज़ें आपको सजेशन में और कंक्लूजन में ज़रूर डालना चाहिए। ये हो गया पहला निबंध। सेकंड निबंध है डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया के बारे में ये सबसे पहले ये वर्ड कहाँ से आया, सबसे पहले आपको क्या लिखना है कि डिजिटल इंडिया क्या है, इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ। ठीक है, मीन्स इस ये जो वर्ड है ये कहाँ से आया, किसके द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था, उसके बारे में लिखेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया के फिर क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, मेरिट्स लिख दीजिए। उसके बाद इसके कुछ नुकसान भी हो रहे हैं क्या, उसको भी आप लिखिए। उसके बाद आप अपना कंक्लूजन दीजिए। ठीक है, तो इस टाइप से आपको आंसर करना है। अब आते हैं हम लोग GS1 में। GS1 में दो क्वेश्चन मैंने आज दिया है। पहला है क्वेश्चन है, भारत एवं पाकिस्तान के संबंधों की हाल में हुई घटनाओं के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा करें। तो जो आपका GS1 है उसमें आपको समसामयिक घटनाओं के बारे में भी क्वेश्चन आएगा। तो ये आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक से भारत पाकिस्तान का संबंध, इसमें आपको अंतर्राष्ट्रीय संबंध भी इंक्लूड हो जा रहा है, हिस्ट्री भी इंक्लूड हो जा रहा है, और आपका जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय की जो वर्तमान घटनाएं समसामयिक घटनाएं भी इंक्लूड हो रहा है। तो ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बनाया है इसको बहुत सोच समझ के। तो इस पर आपको निबंध समीक्षा करना है। तो समीक्षा करना है सबसे पहले आप भारत पाकिस्तान के जो पूर्व के जो इंसिडेंट्स हुए हैं इनके उनके बारे में आपको लिखना है। स्टार्ट करना है कहाँ से, भारत पाकिस्तान का डिवीजन से। दो देखिए जो रिलेवेंट है लिखना है, रिलेवेंट ये चीज़ें रिलेवेंट हो जाती हैं, मैं रिलेवेंट और इरिलेवेंट में यही चीज़ बता रहा हूँ, जो उन चीज़ों से हटकर हो जाती है। जैसे कि आपको भारत पाकिस्तान के बारे में पूछा जा रहा है तो आप इनसे, इन दोनों के अलावा और भी कुछ चीज़ें अगर ज़बरदस्ती अपने से पुट करते हैं तो आंसर को बड़ा करने के, तो वो चीज़ें इरिलेवेंट हो जाती हैं। अब रिलेवेंट कौन सी चीज़ होगी, जैसे भारत पाकिस्तान के बारे में आप सबसे पहले लिखिए संक्षेप में कि ये चीज़ तनाव जो है या फिर उनके बीच में जो संबंध है वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था। तो ये सबसे पहले तो भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे, बहुत कम लाइनों में इन चीज़ों को लिखना है आपको, क्योंकि आपको वर्तमान की घटना के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले उनके जो दोनों का विभाजन हुआ था उसको पहले लिख दीजिए हल्का सा दो चार लाइन में। उसके बाद उनके बीच में जो कुछ समझौते हुए, जैसे अब समझौते भी हुए और कुछ युद्ध भी हुए, तो उन चीज़ों को आपको लाइन वाइज स्टेप वाइज स्टार्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आप आ जाते हैं, क्योंकि अब हम लोग को मुख्य फोकस करना है क्या, हाल में हुई घटना। तो दो चीज़ें हुई थी हाल में, एक हो गया आपका उरी का जो हमला हुआ था और एक हुआ पुलवामा अटैक हुआ था। तो दोनों चीज़ों और उन दोनों के बीच में उन दोनों के क्या परिणाम हुए थे और भारत की तरफ से क्या कदम उठाए, उन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। उसके बाद आप कंक्लूजन देंगे। तो इस टाइप से आपको स्टेप बाय स्टेप आंसर करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सबसे पहले, और एक और महत्वपूर्ण बात कि हर क्वेश्चन देख लीजिए, मैंने यहाँ पर पहले ही मार्क कर दिया कि घंटा है आपको ईच सेक्शन के, दैट मीन्स ईच क्वेश्चन हैड टू सॉल्व इन हाफ एन आवर, मीन्स आपको हर क्वेश्चन को आधे घंटे में सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में नारियों की भूमिका पर टिप्पणी लिखें। ये आपका हिस्ट्री का रिलेटेड क्वेश्चन है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसमें आपको कैसे लिखना है, पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में शॉर्ट में लिखिए, दो चार लाइन, चार से पाँच लाइन में हार्डली।
उसके बाद नारियों की भूमिका। तो सबसे पहले आप महत्वपूर्ण नारियों के बारे में बताइए, जो जो महत्वपूर्ण नारियाँ थी उसमें रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिख सकते हैं, श्रीमती एनी बेसेंट के बारे में लिख सकते हैं। उसके बाद उनका नाम लिखकर उनके बारे में आपको अलग से अच्छी तरह से उसमें व्याख्या करना है, जैसे कि एनी बेसेंट के बारे में दो चार लाइन इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं, उनका जन्म के बारे में, उसके बाद उन्होंने क्या क्या काम किया। उसी तरह रानी लक्ष्मीबाई के बारे में आप लिख सकते हैं दो चार लाइन, लाइक उनकी उनके फादर कौन थे, मदर कौन थे, उसके बाद शादी किन से हुई, उनके पुत्र और जो अंग्रेज़ों से उनके जो विवाद हुए थे, उन चीज़ों को लेके आप लिख सकते हैं। उसके बाद उनके क्या एक्टिविटी उन्होंने की थी स्वतंत्रता आंदोलन में, उन चीज़ों को लिखिए। उसके बाद आप जा कर के इन नारियों के बारे में और कुछ और नारियों के बारे में जैसे ऐड करते हुए आपको टिप्पणी लिखना है, और लास्ट में आपको कंक्लूजन देना है कि इनकी क्या जो इनके जो योगदान थे उसको अगर पॉइंट वाइज आप लिख सके कि अगर इनके एक्टिविटी इनके जो एक्टिविटी थी इनकी वजह से स्वतंत्रता आंदोलन पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसको आप पॉइंट वाइज एटलीस्ट लिख दीजिएगा कि इसकी वजह से जो भारत की देश की जो अन्य शिक्षित नारियां थी वो आगे आई, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, और यही नहीं महिला साक्षरता के दर में भी वृद्धि हुई, महिला साक्षरता की ओर सरकार का ध्यान भी गया। ये चीज़ें आपको पॉइंट वाइज लिखना, फिर आप लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि अगर आप गौर करें तो ईच क्वेश्चन के बारे में मैं आपको दो चार से चार मिनट में बता दें, तो जाहिर सी बात इसको लिखने में भी आपको काफ़ी टाइम लगेगा। और सोच लीजिए अगर आप अभी से प्रैक्टिस नहीं रखते हैं तो आपका एग्जामिनेशन टाइम में क्या हाल हो सकता है। ये मतलब अगर आप लोग कभी मास्टर्स के जो लोग मास्टर किए हुए हैं या फिर जो बी एड एम एड किए हुए हैं वो लोग जानते होंगे, या फिर किसी ने अगर कभी मेंस लिखा तो वो जानते होंगे कि लास्ट अगर थोड़ा सा भी हम लोग प्रैक्टिस में लापरवाही करते हैं तो लास्ट मिनट में ऐसा होता है कि एग्जामिनेशन टाइम में हम लोग को चीज़ आते हुए हम लोग नहीं लिख पाते हैं, या फिर ऐसा होता है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि जब मैं मेंस का एग्ज़ाम दे रही थी तो मतलब हाथ ऐसा होता है कि थोड़ा सा भी पहले से लापरवाही किए जाने से हाथ जो लिखते लिखते होता है कि आप जान रहे बट आप लिख नहीं पा रहे, हाथ चल नहीं रहा, हाथ काम नहीं कर रहा। तो आपके हाथ को उतना प्रैक्टिस होना चाहिए और अपने आपके माइंड को वो माहौल होना, मेंटली उतना स्ट्रांग होना चाहिए कि आप आंसर को तेज़ी से तीन घंटे में आंसर कर सके और बहुत ही फैक्चुअल चीज़ों को लिख सके, बहुत ही सही चीज़ों को लिख सकें। नहीं तो या तो हम लिखते हैं तो अनाप शनाप बहुत सारी ऐसी चीज़ें लिख लेते हैं जो कि इरिलेवेंट है, या फिर हम लिख ही नहीं पाते हैं। तो दो चीज़ें ऐसे हो सकती हैं अगर आप प्रैक्टिस किए नहीं रहेंगे तब। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, GS2 का पहला क्वेश्चन देखिए। बिहार में समेकित क्षेत्र विकास कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताओं का दर्शाएं तथा उसकी उपलब्धियों का वर्णन करें। पहले बताना है क्या है आपको समेकित विकास क्षेत्रीय कार्यक्रम, सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन दीजिए, ठीक है, और ये कब स्टार्ट हुआ भारत में, उसके बाद बिहार में इसकी शुरुआत कब हुई ये लिखना है आपको। अब इसके प्रमुख विशेषताओं को लिखना है, ठीक है, क्या क्या प्रमुख विशेषताएँ हैं इसके, फिर उसके बाद उपलब्धियों के बारे में आप लिखिए। अब उसके बाद आप आ जाती हैं फिर बिहार में इसकी क्या उपलब्धि, एक तो होगी नेशनल लेवल पे क्या उपलब्धि है, उसके बाद आप बिहार में क्या उपलब्धि है उसको लिखिए, लास्ट में आप कंक्लूजन लिखेंगे। तो ये हो गया आंसर राइटिंग का तरीका। नेक्स्ट देखिए, भारत में संविधान में प्रतिष्ठित दर्शन के औचित्य एवं महत्व का परीक्षण करें। तो देखिए संविधान जो है, संविधान की उद्देशिका में भी आप देखिए, या फिर भारत के पूरा संविधान में जो भारत में भारतीय जो भारत का जो दर्शन है वो यहाँ के संविधान में भी झलकता है। तो सबसे पहले संविधान में आपको उद्देशिका को स्टार्ट करना होगा, उद्देशिका से जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको लेते हुए, जैसे कि सामाजिक समरसता के बारे में दिया जाता है, सामाजिक एकता के बारे में उसमें आता है, ठीक है, धार्मिक सांस्कृतिक एकता के बारे में, ये सारी चीज़ें हैं वो जो कि हमारा दर्शन से उठाई हुई चीज़ें हैं। तो उन चीज़ों के को आपको डालना होगा कि ये कौन कौन से संशोधन के द्वारा ये चीज़ें जोड़ी गई थी, ठीक है। सबसे पहले तो संविधान के बारे में बताइए, उसके बाद कौन कौन सी चीज़ें जो संविधान में जो दर्शन से संबंधित भारतीय दर्शन से संबंधित चीज़ें उनको डालिए, उसके बाद इनका क्या औचित्य है उसको डाल दीजिए, ठीक है, और फिर इनका महत्व डालिए, और लास्ट में आप कंक्लूजन डालते, ये आपका आंसर हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब आइए हम लोग ऑप्शनल चलते हैं। ऑप्शनल में मैं आज फिर LSW को सेलेक्ट की हूँ। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान का संक्षिप्त इतिहास बताएं। तो ये भारतीय संविधान का संक्षिप्त इतिहास कैसे बताना होगा, सबसे पहले आपको भारतीय संविधान के बारे में बताना होगा,
ठीक है। इतिहास, इतिहास आपको दो पार्ट में बटा हुआ है, मैंने आपके नोट्स में सॉरी वीडियो में भी डाला था, जो संविधान का इतिहास उसमें आपको डाली हुई है। उसके बाद आपको क्या करना है, इतिहास से संबंधित जो कुछ प्रमुख तथ्य है, जैसे कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा था बाद में, उसको डालना है। क्योंकि जो मैं दो नोट्स दी हूँ उसमें आपको थोड़ा सा आपको संक्षिप्त में ऑरली भी बताई होगी कि इनका इम्पैक्ट पड़ा, तो उसको आप रिटन कंटेंट के रूप में आप डाल सकते हैं, उसके बाद आप कंक्लूजन में डालेंगे। नेक्स्ट है लास्ट में जो LSW से रिलेटेड ही क्वेश्चन मैं डाली हूँ, बिहार में भिक्षावृत्ति के प्रमुख कारण क्या हैं, सरकार द्वारा इसके निवारण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं, भिक्षावृत्ति के निवारण हेतु आपके विचार में कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। देखिए पहला तो है भिक्षावृत्ति क्या है, ठीक है। पहला आपको आंसर राइटिंग सबसे पहले स्टार्ट करना है भिक्षावृत्ति का, जो एक जनरल बेसिक डिफिनेशन होना चाहिए, उसके बाद इसके क्या कारण हैं, ठीक है। थर्ड में आ जाइए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं, ठीक है। फोर्थ में आपको लिखना है भिक्षावृत्ति के निवारण हेतु आपके 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 क्या थॉट्स हैं कि आप भिक्षावृत्ति के निवारण हेतु क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आप एकदम अच्छी तरह से सब आंसर राइटिंग के लिए सबसे पहले आपको एक फॉर्मेट बना लीजिए, चाहे आप इस रूप में बना सकते हैं या फिर आप भिक्षा इस तरह से लिख दीजिए भिक्षावृत्ति, यहाँ पे आप फुल लिख लीजिएगा, मैं आपको बस एक बता दे रही हूँ, इस टाइप से कर दीजिए। सबसे पहले जनरल इंट्रोडक्शन परिचय दे दीजिए, ठीक है। उसके बाद कारण बता दीजिए, फिर सरकार के उपाय बता दीजिए, आप उसको फुल लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आपके द्वारा उपाय दें, ठीक है, आपके उपाय, ठीक है। अब इसको आपके उपाय नहीं लिख के आपको इस तरह लिखना है कि भिक्षावृत्ति निवारण हेतु स्वविचार या फिर मेरे विचार, इस टाइप से करके आपको यहाँ पे लिख सकते हैं। लास्ट में आपको क्या करना है, निष्कर्ष देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक फॉर्मेट हो गया आंसर, सही आंसर राइटिंग का फॉर्मेट। तो इस तरह से आपको आज का जो सेट हुआ कंप्लीट हुआ। अगर आप इसको आंसर को आप खुद से करके खुद से इवेलुएट करना चाहें तो खुद से भी कर सकते हैं, और या फिर मुझे मेल कर सकते हैं मेरे मेल आईडी पे solutionofcivilservices@gmail.com, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये उसका मेल आईडी मेरा दिया हुआ है। तो इस सेट को बनाइए और अपने जो सेल्फ आंसर राइटिंग में प्रैक्टिस है उसको इम्प्रूव कीजिए, और प्लीज़ दूसरों को भी शेयर कीजिए। और हो सके तो अगर आप मुझे मेल नहीं करते तो आप अपने आंसर को किसी और फ्रेंड को दिखाइए, किसी और फ्रेंड को ये क्वेश्चन प्रोवाइड कीजिए, उसके आंसर को आप देखिए। तो इस तरह से करके आप ग्रुप डिस्कशन के साथ में भी अपना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं यही एंड करती हूँ, और जल्द से जल्द मुझे आप आंसर अपना मेल कर दीजिएगा, और फिर मैं मिलती हूँ मैं कल नेक्स्ट सेट के साथ में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।